بسم الله الرحمن الرحيم من شرور ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي, فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بايو اور معزز خواتین تلاقي مسائل آپ خدمة خدمت میں एक ही मजलिस में तीन तलाक़ देने की बात जो पिछले दर्स में आपके सामने आई और जिसके ताल्लुक़ से हमने आपको बताया कि इस सिलसिले में जो इख्तलाफ है और इख्तलाफ जो जिक्र किया गया है उसमें दो कौल ही बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं लोगों में और इतनी शोहरत रही है कि आज तक भी बच्चे बच्चे को कह लीजिए यानी हर मुसलमान को ये चीज़ पता है कि अगर किसी शख्स ने एक ही मजलिस में तीन तलाक़ दे दी है तो एक ही मजलिस में दी गई तीन तलाक ये तीन तलाक़ वाक़ हो जाती है यही मजहब है तमाम तमामाए मजाहिब का यानी जो मजाहिब अरबार कहलाते हैं चाहे वो मजहब हम्बली हो मजहब शाफ हो मजहब मालिकी हो या मजहब अहनाफ हो इन तमाम के यहाँ और तमाम के ओलमा के यहाँ ये चीज़ मुसलम है कि तीन तलाक तीन तलाक वाक़ हो जाती है और सहाब कराम की बड़ी तादाद बल्कि जैसा कि आप जानते हैं कि आम तरीके से सेलमाय मज़ाहब इस मसले में सहाबा का इजमा नकल करते हैं कि उमर बिन ख़ाब रबी अल्लाह तहों के फ़ैसले के बाद यही चीज़ थी कि सारे सहाबा तीन तलाक को तीन तलाक ही मानते थे और इसी वजह से तीन तलाक मानने ही की वजह से वो कहते हैं कि इस पर सहाबा का इजमा हो गया और ये उनकी सबसे कवि दलील होती है जिसको वो लोग पेश करते हैं हालांकि दलीलें और भी पेश करते हैं वो मैंने आपके सामने वो तफसी पहले जिक्र कर दी है और वो मशहूर हदीस जो दलील है इस मसले के लिए कि तीन तलाक अगर कोई देता था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या जो है अबोबकर तौर खिलाफत में या बाद में उमर रदील्ल त दौरे खिलाफत के शुरू में तो ये तीन तलाक़ें एक तलाक़ ही मानी जाती थीं जो मशहूर हदीस है इस सिलसिले में वो हदीस भी मैंने जिक्र की जो बड़ी कवी दलील है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि तीन तलाक़ एक तलाक ही मानी जाएगी और यही उनकी असल दलील है असल में और वो यही समझते हैं कि चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लम के जमाने में ये चीज रही है तो हमारे लिए तो किताब सुन्नत असल है चीजें और सब बाद में आती है और वो इसको इजमा को नहीं मानते ये है। कहते हैं ये इजमा हो ही नहीं सकता मुमकिन ही नहीं है कि ये इजमा हो क्योंकि रसू हदीस रसूल के खिलाफ इजमा हो ही नहीं सकता हालांकि उनकी भी और भी दलीलें हैं चूंकि ये कौल ज़्यादा मशहूर रहा इब्ने तैमिया अलैह को लेकर के इब्ने रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के तो ये दोनों इस बात के कायल थे कि तीन तलाक एक ही तलाक मानी जाएगी और एक ही मजलिस की तीन तलाक तीन तलाक नहीं शुमार की जाएगी और ये बहुत मशहूर रहा कौल उनकी तरफ से और यही वजह है कि बाज़ल हनाबिला अल्लामा इब्ने तैमिया और इब्ने कईम की बात को मानते हुए वो भी इसके कायल रहे हैं और अहले हदीस तो पहले ही हमने आपको बताया कि चाहे बर सग़ी में पूरे जो है हमारा जो पुराना हिंदुस्तान है तकसीम से पहले का उसके उसकीा इस पर काफ़ी कुछ लिखे भी हैं और उनकी किताबों में जो बातें पाई जाती हैं ये अक्सर अल्लाह इब्न कईम और अलामामा इबन तैमिया रहा अलैहिमा की किताबों से ही ली गई इबन कईम रहमत ने अपनी दो किताबों में इस पर बहुत बहस की है ये चंद बातें हैं दूसरों के आने से पहले मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें पहले नहीं बताया था आपको लेकिन जो लोग भी हैं उनको उनके सामने जिक्र कर दे रहा हूँ पहले कि इब्ने इबन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दो किताबों में ज़ादुल जादुलमाद और अलाम मौक़िन दो किताबें उनकी मशहूर किताबें हैं ये इन दोनों में उन्होंने इस पर बहस की है और इस हदीस के अलावा जो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की हदीस है जिसमें ये बयान है कि ये तीन तलाक़ें एक तलाक ही शुमार होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू बकर सिद्दीक तआला के दौर खिलाफत में और उमर रदी तलाफत के खिलाफत के शुरू में ऐसे ही था लेकिन बाद में जो है अब क्या हो गया वही चीज लोगों में राइज हो गई उनके फैसले के बाद तो ये हदीस जिक्र करने के अलावा भी अला इब्ने कईम रहमत ने और भी बहुत सी दरीलें पेश की हैं इसको लेकर के मैंने पहले आपसे कहा था उस मसले को बयान करते हुए कि दूसरी दलीलें उतनी सरीह नहीं है मसले को लेकर के जो जितनी ये सरीह दलील मानी जाती है जैसे ये बात भी जो है अलामाब तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है कि जब उसको हक ही है एक तलाक देने का किताब और सुन्नत में ये चीज़ है बिल्कुल क्लियर है कि वो एक तलाक देगा जब उसके पास हक ये है तो अगर उसने इस हक़ को इस्तेमाल किया एक जो है तलाक़ दिया फलस वो तलाश तलाक तो वाकई हो गई अब उसके बाद जब वो इस्तेमाल करता है ये तो चूंकि उसे हक़ ही नहीं है इसलिए वो चीज़ अदा ही नहीं होगी तो इस तरह की बात जो है जिक्र करते हैं और साथ में यानी वो कुरान की आयतें हदीसें जिसमें इस तरह का बयान है तलाक़ मर्रतान इसके इसको भी दलील के तौर पर पेश करते हैं हालांकि ये आयत तो जो है जो लोग तीन तलाक़ के वाक़ होने के कायल हैं वो भी पेश करते हैं कहते हैं तलाक़ व मर्रतान जब तलाक़ दो मरतबा दी जा सकती है तो तीन मरतबा भी दी जा सकती है तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं पेश की उसमें क्यों नहीं पेश की हैं ये बातें तफसलात बहुत हैं और उन तफसीत को जिक्र करने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है और मौजूदा दौर में चूंकि आम तरीके से अब ये आप देखेंगे कि लोगों का रुझान यही हो गया कि तीन तलाक को एक ही तलाक मानेंगे और मुख्तलिफ मुल्कों में वो मुल्क जहां पर ज्यादातर फिक् हनफी के मानने वाले लोग हैं ऐसे मुल्कों में भी जो ऐसा जो है कानून बना कि वो भी मुस्लिम मुल्क है मैं मुस्लिम मुल्क की बात कर रहा हूँ गैर मुस्लिम मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ कि तीन तलाक को एक ही तलाक माने और बहुत से यानी खुद ओलमाए अहनाफ में से मैं ऐसे आज के इस दौर में जो अभी जिंदा भी हैं लोग ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ वलमाय अहनाफ में से जो तीन तलाक को एक मानते हैं कहते नहीं यही सही है तो तोाए अनाफ़ में से भी हैं दूसरे मजाब केमा में से भी लोग हैं तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और इसके बारे में हमने ज़्यादा बातें नहीं की आपके सामने अलबत्मर रदी अल्लाह तू के, के फैसले के ताल्लुक से जो बड़ा मसला होता है कि जो है उन्होंने फिर तीन तलाक अगर एक ही तलाक थी तो इन्होंने तीन तलाक कैसे नाफिज कर दिया एक बड़ा जो है वो एक सवाल उठता है तो जो मजाहए मज़ाहिब हैं यानी जिनके यहाँ तीन तलाक तीन तलाक वाक़ होती है वो लोग तो उसका बड़ा आसान सा जवाब दे देते हैं फौरी तौर पर उनका जवाब क्या होता है वो ये कहते हैं इस सिलसिले में कि उमर रदी अल्लाह तू कि क्या मचाल है कि वो अल्लाह के रसूल के फैसले के ख़िलाफ़ जाए आपकी हदीस के ख़िलाफ़ जाए इसलिए इसका मतलब ये है उनके यहाँ उसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में अगर कोई शख्स ये कहता था कि अंत ताल 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 यानी तीन मत वह वर दिया ये तलाक 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 अन तलेन ताल तले तो उससे ये पूछा जाता था कि तुमने पहले तो कहा तलाक हो गई दोबारा जब कहा तो तुम्हारी नीयत क्या थी तुमने उसी तलाक की ताकीद करना चाहा है उसे तुम सिर्फ इससे ताक़ीद मुराद दे रहे हो वही एक ही तलाक लेकिन उसकी ताक़ीद मुराद दे रहे हो तुम्हारे दिल में ये बात थी या ये कि तुमने दूसरी तलाक मुराद दिया है तो वो जैसा कहता था उसकी नीयत के लिहाज से उस पर हुक्म लगता था अल्लाह के रसूल सलम के ज़माने में और औरबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तू के दौर खिलाफत में और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तू के दौर खिलाफत के शुरू में अगर उसकी नीयत तीन तलाक की थी तो तीन तलाक मानी जाती थी एक तलाक की अगर नीयत वो कहता था तो एक तलाक मानी जाती थी यानी जो पहली मरतब कहा वही असल था और बकिया जो दो मरतब कहा उसकी मुराद उसकी ताक़द है सिर्फ और असल में तलाक़ उसने मुराद नहीं लिया है नई तलाक़ मुराद नहीं लिया है तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में लोग सच्चे थे और वक़्रत सिद्दिक रदी अल्लाह तु के ज़माने में लोग सच्चे थे तो जब वो कहते थे कि नहीं मैंने एक ही तलाक लिया है तो उनकी बात मान ली जाती थी लेकिन अब जो है ज़माना बदलने लगा उमर अल्लाह तु के दौरे खिलाफत में इसको लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब उनकी नियतों का वो अहतबार नहीं रहा नियत का मतलब उनके कौल का कि मैंने एक ही लिया है तो वो तीन जो है तलाक तीन मरतों दे करके तीन ही मुराद लिया हो लेकिन फिर भी जबान से कहते न मैंने मैंने एक ही लिया है उससे बचने के लिए ताकि वो उसके साथ उसी बीवी के साथ रहे तो ये चीजें बाद में होने लगी तो अमर रौदी ने कहा कि अब ये हम सवाल नहीं करेंगे किसी से कि तुमने कितनी मुराद लिया है एक मुराद लिया है या तीन मुराद लिया है जो भी हम सुनेंगे कि किसी ने दे दिया है तो हम तीन तलाक मान करके दोनों में जुदाई कर देंगे तो इसको उन्होंने नाफिज किया था अपने दौर में वरना जो चीज़ शरीयत में हो ही ना वो कैसे उसको नाफिस करें तो ये वो लोग आम तरीके से उस रिवायत को उस जो है सही हदीस को और उमर रबील के फैसले को इसी अंदाज से पेश करते हैं तो चंद बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र की मकसद ये था कि दो से लोग आ जाएं तो आपके सामने नया मसला पेश किया जाए अब तलाक के ताल्लुक से एक मसला बल्कि जो है दो तीन मसले आज आपके सामने पेश करेंगे एक मसला ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है अपनी बीवी से कि मैंने तुमको तलाक़ दिया उर्दू में हम इस तरह से कहते हैं अरबी में कह दिया अंते तालेकुन अंते तालेकुन और बाद में कह रहा नहीं मैं तो मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा था मैंने तलाक़ नहीं दिया है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तो क्या ये चीज़ कबूल की जाएगी कि किसी शख्स की कि वो तलाक दे करके ये कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था ऐसा होता है कि जो है बाद लोग कुछ चीजें उनसे होती हैं तो जब उनसे कुछ कहा जा रहा है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा ऐसा कुछ भी नहीं आप दिल पर मत लो मैं तो मजाक कर रहा था तो ये मजाक करने वाली बात क्या तलाक में भी, भी चलेगी कि जब जो है शोहर ने तलाक दिया और उसके बाद कहे उसको जब मसला पेश आया कि जो है अब ये तो अभी बीवी अलग हो गई ये मसला हो गया तो कहना शुरू कर नहीं मैं तो मजाक कर रहा था मैंने तलाक नहीं दिया मेरे दिल में तलाक का इरादा नहीं था मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया जबान से तो इस सिलसिले में इसको अरबी में कहा जाता है तलाकुल हाजिबी एक आदमी जो मजाक मजाक में अगर इस तरह से तलाक वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है तो क्या ये तलाक वाकई हो जाएगी या नहीं जब तक संजीदगी के साथ तलाक नहीं देगा सीरियस सीरियसनेस जिसे आजकल कहते हैं तो तब तक तलाक नहीं वाक़ होगी एक मसला है इस सिलसिले में एक हदीस है मैं चाहूँगा कि वो हदीस पहले आपके सामने पेश कर दू वो हदीस ये है कि अबू अल्लाह अब हदीस की रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि सलासुन जिद्द जिदुल वजल जिदुल तीन जो है चीजें ऐसी हैं कि अगर आदमी उससे सीरियस सीरियसली सिर्य, बयान करता है तब भी तो जो है वो चीज़ होती है और अगर मजाक में भी कह देता है वो चीज़ें तो उसका वो मजाक भी सीरियस माना जाएगा शरीयत के हुक्म के लिहाज से ऐसी चीजों में चूंकि मजाक नहीं चलता है तो ऐसी चीजें भी होती हैं जहाँ मजाक नहीं होना चाहिए जिसमें मजाक नहीं आता आना चाहिए तो वो तीन चीज़ें बयान की अल्लाह के रसूल वसल्लम ने सो क्या है निका वो व तलाक़ हो व रजा एक तो निकाह दूसरे तलाक और तीसरे रजाक बाज रवायत तो मेहताक का लफ्ज भी है एहताक कहते हैं गुलाम को आज़ाद करना तो चूंकि गुलाम को आज़ाद करने का मसला अभी नहीं रहा है तो इसलिए हम उसको यहाँ नहीं पेश कर रहे हैं मसला हम सिर्फ किस पेश कर रहे हैं इस सदीस के लिहाज से निकाह तलाक़ और रजात का मौका हदीस ये मुसद अहमद की है और सुन अबी दाऊद की है इसी तरह से ये हदीस सुन तिलमिज़ी की भी है और सुनने इबन माजा की भी है और ये तो हमने कुतुब सि के मौलफिन का जिक्र किया या कुतब सबा के मौलफिन का जिक्र किया इसके अलावा भी इमाम हाकिम ने इस हदीस को रिवायत किया इमाम बघवी ने रवायत किया इमाम दारनी ने रिवायत किया है इमाम इब्ने जारूद उन्होंने अपनी किताब अल मुंतका में यह हदीस जिक्र की है और इमाम तिर्मिजी ने इसको रिवायत करने के बाद कहा है कि हादा हदीस हसनबुल इमाम हाकिम ने भी कहा है शाहीस्नादी इस सिलसिले में इस हदीस की सनद में एक रावी है जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन हबीब है उसको इमाम हाकिम ने सिकह करार दिया है और इसी बुनियाद पर वो इस हदीस की सनद को सही करार देते हैं इमाम जहबी रहम्ल ने उस रावी के बारे में कहा है कि फी लीन। है लीन यानी उसमें थोड़ी कमजोरी है उस रावी के अंदर थोड़ा जाफ अगर है भी तो बहुत मामूली दर्जे का है और चूंकि इस ये हदीस इस माने की हदीस दूसरी हदीसें मौजूद हैं जिसको हम मुहदसिन की असलाह में शवाहिद कहते हैं और उन शवाहिद में भी थोड़ा थोड़ा ज़ाफ पाया जाता है लेकिन सबको मिला करके जब देखा जाता है तो मुहदसिन की अलाह के लिहाज से ये हदीसें हसन गैरेही के दर्जे को पहुँच जाती हैं तो ये जो है ये हदीस हम इसे क्या कहेंगे ये हसन गैरेही है और हसन ल हदीस को दलील के तौर पर पेश किया जाता है और उससे दलील लेना सही है ये तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि ये हदीस क्या है हसन ली है और इस हदीस में ये सराहत मौजूद है कि सलासुन जिद्द जद वज्ल जद कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि वो आदमी सीरियस में कह सीरियसली जब उसको जो है कहता है तो भी वो सीरियस तो है ही अपनी जगह पर वो तो वाकई हो ही जाएगा लेकिन अगर वो मजाक मजाक में भी कहेगा तो उसको सीरियस ही माना जाए उसका ये कहना नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था इसमें तस्लीम नहीं किया जाएगा तीन चीजें ये कौन सी तीन चीजें हैं निकाह तलाक और रजात ये हदीस के अंदर है पर मैंने कहा बात रिवायतों में मामला गुलाम को आज़ाद करने का भी है तो अगर कोई शख्स निकाह कर ले किसी के साथ और निकाह करने के बाद कहे कि नहीं भाई मैं तो समझ रहा था कि ये मजाक ऐसे ही खेल हो रहा है इसलिए मैंने कहा हाँ मैंने कबूल कर लिया मैं सीरियस नहीं था कबूल करने में बाद में वह ये कहना शुरू करे तो क्या उसकी बात तस्लीम करेंगे नहीं यहाँ शरीयत ने एक बंद बांध दिया है बंद कहते हैं हम लोग उर्दू में उसको डैम कह लेते हैं कह सकते हैं आज की जबान में आप उसको वो बांध दिया है शरीयत इसको जो है रास्ते को खुला नहीं छोड़ा है कि कोई शख्स निकाह करने के बाद ये कहे सबके सामने निकाह हुआ सब कुछ हुआ उसके बाद क्या कहे अरे नहीं नहीं मैं तो समझ रहा था कि शायद ऐसे ही लोग खेल में मजाक में जो है कर रहे हैं मैंने मजाक मजाक में ये बात कह दी कि हाँ मैंने कबूल किया मैंने कबूल नहीं किया निकाह नहीं किया और निकाह का इनकार करे तो क्या आप तस्लीम करेंगे इसको ऐसे ही तलाक दे दिया तलाक देने के बाद कह दिया अंतल अरबी में मैंने तुम्हें तलाक दिया उर्दू में त और फिर कहता है नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था मैंने मजाक में ये बात कही है जबान से तलाक का मेरा इरादा नहीं था तो क्या हम उसकी बात तस्लीम करेंगे यही है तलाक और निकाह मजाक में भी अगर ये चीज होगी कोई अगर ये कहता है, नहीं मैंने मजाक में किए ऐसा किया है तो यहाँ मजाक मजाक नहीं माना जाएगा इसको सीरियस ही लिया जाएगा शरीयत में बस एक दो टोक फैसला कर दिया गया निकाह हो गया निकाह हो गया तलाक कह दिया तलाक वाकई हो गया यहाँ ये गुंजाइश नहीं रखी गई है कि भाई तुम्हारी नीयत क्या थी तुम क्यों कह रहे थे वो कहना शुरू उसे पूछा तो नहीं आता है कि नीयत क्या थी लेकिन वो कहना शुरू करे अगर तो क्या उसकी बात मानी जाएगी उसकी बात नहीं मानी जाएगी ये है बड़ा जो है मसला है ये मैं तरह इसको एक और जो है मसले से जोड़ता हूँ थोड़ा वो एक थोड़ा दूसरा इससे हटा हुआ खेल खेल का मसला है कभी कभी बच्चे क्या है खेलते रहते हैं तो खेल खेल में निकाह भी करा देते हैं शादी भी हो जाती है बच्चे बस सकते। वो खेल है सिर्फ उसमें और कुछ नहीं होता तो क्या वहां पर भी कहेंगे कि निकाह हो जाएगा हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये सवाल है? बच्चे आपस में खेलते हुए वो गुड़िया गुड्डी का जो है खेल होता है ना शादी कराते हैं तो ऐसे ही जो है ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये बच्चे ही एक दूसरे से शादी भी कराने लगते हैं आपस में तो ये बच्चों की तरफ से कोई चीज है तो उसे आप खेल कह सकते हो लेकिन बाकायदा निकाह हुआ मजलिस पे और उसके बाद आदमी कहे कि नहीं भाई मैंने निकाह नहीं है मेरी बीवी नहीं है वो तो मैंने कहा था तो मजाक में कहा था मैंने कबूल किया मैं तो समझ रहा था कि शायद ऐसे ही खेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये बात कोई जो है अकल में आने वाली बात है इसको कबूल किया जा सकता है नहीं कबूल किया जा सकता ये कोई भी समझ सकता है निकामन कॉमन सेंस है ये समझ सकता है तो ये मामला जो है, आज एक सवाल और भी आता है लोग बाज लोग जो है उसको पेश करते रहते हैं कि ये हदीस है कि सलासुन जिद दो न जिद व हज़र न जिदन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि चाहे आदमी सीरियस हो उसमें या मज़ाक में भी अगर वो चीज़ करता है खेल में भी करता है तो भी उसे सीरियस ही माना जाएगा उसमें से एक निकाह भी है तो सवाल ये है कि वो शादियाँ जो फिल्मों में होती हैं या वो शादियाँ जो सीरियल सो आप देखते रहते हैं चूँकि मुसलमानों के यहाँ तो सीरियल का बड़ा रिवाज है जो और ये चूँकि मुस्लिम कंट्रीज में भी ये चीज़ें बड़ी कसरत से हैं जो सीरियल बनते रहते हैं तो उसमें इस्लामी रिवायात भी जो है रहती हैं उसमें निकाह भी होते हैं तलाक़ भी होते तो बाकायदा जो है उसके जो कह लीजिए कि उस ड्रामे के जो हीरो होते हैं उनके दरमियान शादियां भी हो जाती और बाकायदा इस्लामी तरीके से काजी भी रहेंगे सब कुछ रहेगा और शादी होती है निकाह होता है दोनों के घर वाले होते हैं यानी वो सब जो है उसमें मौजूद रहेंगे वहां पर यानी मेरे घर वालों से मुराद मेरी ये नहीं है कि उसके माँ बाप आते हैं यानी जो उस सीरियल के अंदर जो लोग उसके माँ बाप बनते हैं तो वो भी हाजिर रहते तो क्या यहां कहेंगे कि अब तो निकाह हो गया तो निकाह हो गया क्योंकि यहां तो सीरियस चाहे आदमी सीरियस ना हो मजाक में भी कहे तभी निकाह हो जाता है तो कभी हो सकता है कि किसी के जहन में यह सवाल भी है कि जितनी भी शादियां फिल्मों में होती है इसका मतलब कि सारी शादियां सही है अब उसके बाद जो है वो दोनों हो गए तो न जाने कितनी बीवियां होंगी उनके फिर जो है और एक ही जो है औरत की कितनी जाने कितनी शादियां हो गई हो गई जो है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो याद रखिए इस हदीस का मतलब वो नहीं वो असल में निकाह नहीं होता कहते हैं उसको कि वो तमसील अरबी में कहा जाता है उससे यानी एक वाकया है उसको आप अपने तौर पर एक जो है कि वो फला की तरफ से यानी अपना नहीं होता है उसका अपनी तरफ से कोई चीज नहीं होती है ये ड्रामे हों या फिल्में हों उसमें ये होता है कि वो एक कहानी है उस कहानी को ये अमली शक्ल में पेश करते हैं तो ये वो अपनी तरफ से नहीं करता है कोई चीज बल्कि उस जो है ड्रामे का एक किरदार होता है जिसको ये अपने अमल से अदा करता है जिसको अरबी में हिकायत कहते यानी किसी शख्स की कोई बात अगर आप नकल करते हैं ना तो ये एक अलग चीज होती है यहाँ सीरियस और मजाक का मसला नहीं आता है यहाँ पर वो चीज़ नहीं आती है इस हिकायत कहते हैं अरबी जबान में इसको हकायत का मतलब क्या होता है कि किसी और की चीज़ आप नकल कर रहे हैं जैसे किसी ने कोई बात कही तो मैं वो बात यहाँ नकल करू मैं ये जिक्र करूं किसी मुशरिक के बारे में कि उस मुशरिक ने ये बात कही है अपने बुतों के बारे तो मैं काफिर नहीं हो जाता मैं मुश्किल नहीं हो जाता हूं क्योंकि तो सिर्फ नकल करना हो चाहे मैं उसको अमल करके बताऊं कि वो बुत के पास जाके ऐसे उसने सजदा किया मैंने देखा उसको सजदा करते वो बताने के लिए मैंने तो ये इसको कहा जाता है हिकायत तो इसको याद रख लीजिए कि इसकी वजह से ऐसा कोई हुक्म नहीं आता है कि हाँ इसके अब ये जो है काफिर हो गया मुशरिक हो गया ये हुक्म नहीं आता है। तो इसलिए वो जितने भी निकाह होते हैं उसमें उसका कोई एतवार नहीं है शरीयत में वो इस हदीस को वहां पे फिट करने मत जाइएगा आजकल में इसलिए मैं, मैं थोड़ी सी वजात किया कि हमारे भाई लोग आजकल जो है और हमारी बहनें हदीस कहीं और होती है ला करके कहीं और फिट कर देते हैं कहीं सुने रहते हैं वो हदीस पढ़े रहते हैं लेकिन मतलब क्या है हदीस का और कहाँ पर हदीस को फिट किया जाएगा कहाँ पर ये हदीस अप्लाई होती है उसको नहीं जानते रहते गलत जगह ले पे लाकर पेश कर देते तो इसीलिए मैंने थोड़ी ये वजाहत कर दी आपके सामने अभी जो है खरीदने और बेचने के बहुत से मसाय बहुत सी हदीसों को लोगों ने गलत जगह पर ला करके पेश करके लोगों को परेशान कर दिया खामोखा खा बहुत सारे कि ये जायज़ जायज़ नहीं है मसायलिए हालांकि वो हदीसें वहां पे अप्लाई नहीं होती हैं लेकिन जो है वो जितनी समझ रखते हैं उसके लिहाज से कर देते हैं लोग तो अभी जल्दी ही एक हमारी बहन की तरफ से एक मसला ऐसा भी आया कि जो है एक साहब का घर बन रहा है अभी उन्होंने अपना घर पूरे तरीके से डिमोलिश करके नए सिरे से तामीर करना है उसको तो लोग गुजरते रहते हैं रास्ते में अब रोड के बन रहा है तो वहां से गुजरते रहते हैं तो गुजरते हुए एक साहब जो है वो देखने लगे कि हाँ ये घर बन रहा है तोड़ दिया उन्हें अब घर बन रहा है। तो जो है वो खातून क्या है उनको शायद वो पसंद नहीं आया कि उनका घर तो बनता हुआ कोई देखे अभी घर बन नहीं गया है अभी सिर्फ बुनियाद का काम हो रहा है यानी फाउंडेशन का काम तो वो हदीसें जो है जिसमें ये है कि किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर नहीं झांकना है और अगर कोई शख्स किसी के घर में झांकता है उसकी आंख आप फोड़ दोगे तो इसकी कोई दियत वगैरह भी नहीं होगी हदीसें इस तरह की हैं वो हदीसें सही है उसको लाके वहां भाई ये घर नहीं है ये रास्ता चलते हुए आदमी देख रहा है उधर तो अब उसकी आंख फोड़ोगे कि जो है मेरा घर बन रहा है क्यों देख रहे हो सोचना चाहिए कुछ भी थोड़ी बहुत जो है और नहीं समझे तो फिर जो है खामोशी इख्तियार करनी चाहिए ना कम से कम किसी से पूछ लेना चाहिए इसके बारे में इस तरह की चीजों के बारे में तो ये हमारे ने, लोग जो है हदीसों को गलत जगहों पे क्या कर देते हैं अप्लाई कर देते हैं पेश कर देते हैं पेश करके मसला अपनी तरफ से बयान करना शुरू कर दे क्यों हदीस में है ऐसा हदीस में है तो ऐसा कुछ नहीं है हज़ल जो अरबी में ये जो कहा गया यहाँ पर सलासुन जिद्द जिद्दन वजल जिद तो ये जो सीरियस और मजाक का जो मसला है ना वो ये है शक्ल उसकी ये है कि निकाह हो गया पूरे तरह जैसे निकाह होता है ना वैसे ही निकाह हुआ और उसके बाद वो आदमी कह देगा कि नहीं मैंने मजाक में कहा था मैंने कबूल तो क्या आप उसको मानेंगे उसके बाद इतना सब खर्चा होने के बाद कह रहा मैं मैंने मजाक किया था तो उसे तस्लीम किया जाएगा ये मतलब है ये हदीस का उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे अब ये निकाह हो चुका है इसी तरह से तलाक दे दिया कह दिया अंत ताल या ये कह दिया कि तलाक तो अरबी में ये या उर्दू में कहा कि तुमको तलाक है या मैंने तुमको तलाक दिया और फिर कह नहीं मजाक कर रहा था तो मजाक करने का ये अंदाज तो नहीं होता ना मजाक करने का तो ये हो सकता है कि कहे हाँ देखो बेगम जो है ऐसा है कि अगर मैं तुमको तलाक दे दूँ बात भाई मजाक करने की कुछ और हो सकती है अंदाज कुछ और हो सकता है वहां समझ में आता है कि हाँ ये मजाक कर रहे हैं लेकिन तलाक दिया बाकायदा और फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं मैंने मजाक किया था तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी ये ये हदीस का मतलब है और यहाँ यह कहा जाएगा कि अगर तुमने मजाक भी किया है तब भी तलाक वाक हो गए तुम्हारा ये कहना कि मैंने मजाक किया था यहां उसका एतबार नहीं होगा ऐसे ही बीवी से रजू करने के मसले में भी है कि रजू कर लिया बीवी से कह दिया हाँ मैंने रुजू कर लिया तलाक देने के बाद रुजू कर लिया फिर कहता नहीं नहीं वो तो मैंने मजाक में कह दिया था उससे वैसे ही मैंने रुजू नहीं किया अभी औरत मुझसे अब इज्जत गुजर गई तो खत्म और निकाह खत्म हो गया ये कहना शुरू कर दे तो ये बात नहीं मानी जाएगी जब उसने रजात की बात रजू करने की बात कह दी है और बाद में ये कहना शुरू कर दे कि नहीं मैंने मजाक किया था तो ये कबूल नहीं है शरीर के अंदर ये मतलब है इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे जो खेल खेल में कभी किसी का किसी की किसी से शादी कराते हैं तो इसका मतलब कि अब वो शादी हो ही गई तो ऐसा नहीं या कभी जो है किसी को सिखाने के लिए जैसे अभी होता है ये है कि लोग हज करने जाते हैं तो हमारे बाज भाई लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोग्राम करते हैं हज की ट्रेनिंग का तो हज की ट्रेनिंग में वही तकरीरें होती हैं तो बाज लोगों ने कहा तकरीरें होती है तो उतना फायदा नहीं होता हम क्या करेंगे बाकायदा जो है एक जगह बना देंगे कि समझो ये खाने काबा है और कैसे फिर तवाफ करेंगे क्या करेंगे ये सफा मरवा ऐसे जो है अमली जो है ट्रेनिंग देंगे उनको ये और तकरीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है याद लीजिएगा ये असल ट्रेनिंग ये नहीं होती ट्रेनिंग ये होती है कि आप साथ में जाइए और उनके साथ वहीं पे एक्चुअल में जो है वो काम ये तो यहां पर कितना भी आप दिखा देंगे आप ना करेंगे वो कि देखो ऐसे तो सब कुछ करने के बावजूद भी जब वहां जाते हैं तो लोग चाहे उमरा हो या हज हो लोग क्या करते हैं वो जैसा लोगों को देखते हैं ना वैसे ही वो भी करते रहते और वो चीजें वहाँ बड़ी क्लियर होती हैं कि जो है आपको तवाफ करना है तो आपके बाई तरफ काबा होगा और जो है इस तरह से आपको तो सब लोग वैसे ही घूम रहे हैं तो वो या खुद भी वैसे ही घूमेगा ना तो वहाँ पर उसको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अच्छा हाँ ट्रेनिंग में मौली साहब ने क्या कहा था वो सब कहने की उसको वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई चीज़ याद भी नहीं रहती है इसमें से और न याद आती है बड़े बड़े बाज़मा जिन्होंने हज के बारे में किताबें लिखी वो भी जब हज करने गए तो कंफ्यूजन का शिकार हो गए कि कैसे करना यहाँ क्या करना तो ये चीजें तो हो जाती है जब आदमी अमली तौर पर कर लेता है वो चीज़ उससे हो जाती है तो फिर उसको हो जाता है तो पहली मतलब जब भी कोई जाता है तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत मसला फिर भी रहेगा उसमें तो इस तरह की तरबियतें जो होती है जिसमें तकरीरें होती हैं या अभी जो बना करके बाकायदा वो, वो तवाफ करके भी दिखा दोगे ना तब भी वहां जा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो वैसे भी टीवी में लोगों को तवाफ़ करते हुए इससे बेहतर अंदाज में देखता रहता है वो से कहो कि वो देख ले वो इससे इससे कहीं बेहतर है उसके आप तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो है अब अगर कोई शख्स ऐसे ही कुछ निशान बना करके वहां तवाफ करके दिखाना शुरू कर देखो जो है ऐसे तवाफ करते हैं तो क्या कहेंगे कि वो अल्लाह के घर को छोड़कर दूसरी जगह तवाफ कर लिया इसलिए उसक मुशरक हो गया यहाँ ऐसी बात कहेंगे नहीं कहेंगे ना ये बात ये कामन सेंस है ना नहीं कहेंगे वो तो सिर्फ ऐसे ही जो है वो कह कर के कह रहा ना कि मान लो कि ये ऐसा है तो ऐसे कर तो यहाँ वो मसला सीरियस और जो है मजाक का मसला यहाँ नहीं आता है यहां तो वो सीरियस है कि ये नहीं है अल्लाह का सिर्फ आपको बताने के लिए वैसा कह रहा तो ये चीज है जो है हदीसें जो होती है ना तो उसका किस जगह पे वो अप्लाई होती है उसको जानना बड़ा अहम मसला होता है ये फिक्र कहते हैं इसको और यही आज के बहुत से जो फ़ारगीन हैं मदरसों के जिनको लोग लोगा कहते हैं उनमें से बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते और उनके पास फिक्र में नहीं है ना हदीसों के ताल्लुक से ना कुरान के ताल्लुक से और आयतें कहीं गलत जगह पर पेश कर देते हैं हदीसें गलत जगह पर ले करके पेश कर देते हैं तो ये मसाइल होते रहते तो आज जो मसला था मसला जो है असल तलाक का था तो अब मैं तलाक के बारे में फिर से आता हूँ वो तलाक क्या है कि अगर कोई शख्स मजाक के बारे तलाक दे करके ये कहना शुरू करे कि नहीं मैंने मजाक किया था मैंने तलाक नहीं दिया है मेरा इरादा तलाक देने का नहीं था तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी बल्कि ये कहा जाएगा कि तलाक चाहे तुमने संजीदगी में दिया हो या मजाक में दिया हो तलाक वाक हो जाती है अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा है कि सलासुन जिद्द जिद्दन व हन् न जिद्दन के तीन ऐसी जगहें हैं तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जहां आदमी सीरियस जो है वो चीज़ करता है सीरियसली करता है तब भी वो चीज़ वाकई होती है अगर मजाक में करे तो भी जो है वो चीज़ वाक़ होती है उसको सीरियस ही माना जाएगा वो क्या है निकाह तलाक और रजात रजू करना तलाक के बाद तो ये है इस हदीस का मतलब फिर भी फ्कहा का इस सिलसिले में इख्तलाफ पाया जाता है जो अईम अरबां हैं उनके दरमियान इस मसले को लेकर के इख्तलाफ पाया जाता है तो हमारी चूँकि आदत है इस दरस में कि हम उनका भी जिक्र कर देते हैं इसीलिए वो इख्तिलाफ भी आपके सामने पेश कर रहे हैं ये जो बात है कि इसमें मजाक का कोई एतबार नहीं है जब भी तलाक दे देगा तो तलाक़ मानी जाएगी और ये नहीं कहा जाएगा कि उसने क्या नियत किया था नहीं उसने मजाक में कहा है तो उसकी बात मान लगे कि मजाक में कहा है तो अब ये तलाक़ नहीं वाक़ होगी तो ये सब चीज़ें नहीं तो इमाम शाफी रहमत इमाम अबू हनीफा रहा आल दूसरे अल्फाज में फ़िख़ शाफी और फ़े हनफी में ये बात है कि तलाक़ वाक़ हो जाएगी अगर वो कहता है अंत कि मैंने तुम जो है तुमको तलाक है उर्दू या मैंने तुमको तलाक दिया सराहतन तलाक़ का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है और बाद में कह रहा नहीं नहीं मैंने मजाक किया था तलाक का मेरा इरादा नहीं था तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी और ये तलाक़ वाकई होगी जैसा इस हदीस में है उसके लिहाज से तो ये अहनाफ के यहाँ भी है और शवाफ़े के यहाँ भी है तो फिखे हनफी और फ़े शाफी में यही बात है और अहले हदीस भी इसी के कायल रहे हैं इसी हदीस की रोशनी में जो हदीस आज आपके सामने पेश की गई दूसरा कौल इस सिलसिले में और वो कौल है इमाम अहमद बिन हम्बल अलैह का इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तो इन दोनों आईमा के यहाँ अगर उसने कहा है अंत तलाक की और उसके बाद वो ये कहता है कि नहीं मैंने मजाक किया था तो उसकी नीयत का उनके यहाँ एतबार किया जाएगा नीयत का एतबार मतलब क्या इसका नीयत का एतबार यानी अब उसने कह दिया कि नहीं मैंने मजाक में कहा तो उसकी नीयत देखेंगे ना कहने वाले की उनकी यहाँ यही है कि नीयत देखेंगे अगर मजाक में कहा है तो तलाक नहीं वाकई और वो दलील लेते हैं कुरान की ईसायत से वही नाजम तलाक अगर उन्होंने तलाक का आजम किया तो आजम ये दिल के इराद का पक्का इरादा होता है और जो आदमी मजाक कर रहा है उसके दिल में नहीं वो बात होती है वो जबान पर सिर्फ होती है इसलिए वो बात जो सिर्फ जबान पर थी दिल में नहीं है उसका एतबार नहीं किया जाएगा अगर वो कह रहा है कि मैंने तलाक़ जो है जो कहा था अंत ताल तो मेरे दिल में तलाक़ वो इरादा मेरे दिल में नहीं था वो तो मैंने सिर्फ मजाक में ये बात कह दी थी तो उसके कौल की बुनियाद पर उसे तलाक नहीं शुमार किया जाएगा ये इन दो आइमा की यहाँ बात है हालांकि हदीस मैंने आपसे कहा उसमें कलाम जरूर है लेकिन खुलासे कलाम यह है मुहदसन की ओसूल के मुताबिक मुहदसिन के ओसूल के मुताबिक कि हदीस हसन दर्जे की है वो इमाम तिरमिजी ने उसे हसन करार दिया है हसन ग ही जो हदीस का दर्जा है उस दर्जे की हदीस है और हदीस से दलील लेना सही है और इसलाल करना सही है तो इसी हदीस की रोशनी में यही मसला जो है राजे होता है कि जब कह दिया कि अंत ताल और बाद में ये कहना शुरू करे कि नहीं मैंने मजाक किया था तो उसका ये उसकी ये बात कि मैंने मजाक किया था ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी और वो तलाक तलाक शुमा की जाएगी ये एक बात थी तो ये आज का मसला था आपके सामने मसला मैंने वाजह कर दिया तलाक़ के मसले में मजाक नहीं है सर शरीयत के अंदर जब भी तलाक दिया तो माना जाएगा कि वो सीरियस ही है और तलाक़ को वाक माना जाएगा कोई ये कहे कि मैंने मजाक में ऐसा किया था तो ये उसका उसकी बात नहीं मानी जाएगी जी अगर कोई सवाल है तो दो तीन मिनट है आप सवाल कर सकते शेख चैट में एक सवाल है शेक। शेक अगर वली ही ना हो तो निकाह तो 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 मजाक में निकाह किस तरह से वाक्य हो जाएगी असल में वली होने का ना होने का मसला वो पहले निकाह के जो मसाइल हमने पेश किए उसमें। तो उसमें उसने किसी को वली भी बना के रखा है ना तो बालिग जब होती है औरत तो उसमें वली होना कोई शर्त है ऐसा जो है कॉल जो है आपके सामने आ चुका है पहले कि अहनाफ भी उसको नहीं जो है शर्त मानते हैं और बाज दूसरे जो है मजाहिब वाले भी वली होने को शर्त नहीं मानते बड़े बड़े मजाहब बड़े बड़े वल्मा उसके हैं जो तो वली का शर्त होना ये सबके यहाँ नहीं है सब और वो हदीस है जिसमें इस तरह का बयान आया है कि वाली के बगैर निकाह नहीं उसका क्या मतलब है वो सही है नहीं है तो ये सब तफसीलात तो पहले आ चुकी है निकाह के मसाइल में अगर उसको सुन लेंगे तो इन शह तफसत काल हो जाएगा वो तो इसलिए वो वो सवाल नहीं आता यहाँ पर और आम तरीके से जो लोग ये बनाते हैं इस तरह के सीरियल हों चाहे और चीज़ें हों तो उनके यहाँ क्या होता है वो तो अहनाफ ही होते हैं फिक्र जो उसमें चलती है वो अहनाफ ही चलती है ज़्यादा तो जिन इदारों की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं जिन मुल्कों में हो रही हैं ज़्यादा ये वो फिके हनफी को मानने वाले लोग होते हैं और इसी वास्ते जो है वहाँ ये सवाल नहीं आता असल ठीक है बात क्लियर हो गई हो ठीक थी। है थी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा हफ्ते अगर कोई नशे की हालत में तलाक देता है या किसी को मजबूर करके उसको तलाक के पेपर पर उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं खातून ने एक मरतबा अपने शोहर की गर्दन पे तलवार रख करके कहा कि मुझे तलाक दो वरना तुम्हारी गर्दन मार देती हूँ तो ऐसे मौके पर अगर कोई शोहर तलाक दे देता है अपनी जान बचाने के लिए तो क्या ये तलाक वाकई होगी या नहीं होगी इनशाला आइंदा हफ्ते ये कुछ मसाइल हैं जो जिसका माइंड जो है इस वक्त यानी कह लीजिए कि मजनून है दीवाना है तो ऐसा आदमी दीवानगी की हालत में अगर ये कह देता है कि तुमको तलाक तो क्या तलाक वाकई हो जाएगी या नहीं होगी एक आदमी सो रहा है और नींद की हालत में ख्वाब में अपनी बीवी को तलाक दे रहा है तो क्या वो ख्वाब में दी गई तलाक तलाक वाकई होगी या नहीं होगी बाज लोगों को हिम्मत नहीं होती है ना तलाक देने की तो क्या करते हैं चाहता तो है कि दिल से आदमी की तलाक दे दे इसके साथ नहीं रहना है लेकिन वो तलाक नहीं दे पाता हिम्मत नहीं है उसको बड़े मसायल है तो क्या होता है ऐसे लोगों की सोच में हमेशा वो चीज़ रहती है तो ख्वाब में भी वही उनको रहता है तो जो बेदारी की हालत में नहीं दे पा रहे हैं तो ख्वाब में तलाक देना शुरू कर देता है अपनी बीवी को तो क्या वो तलाक शुमार होगी या नहीं होगी वाकई होगी या नहीं होगी तो कुछ मसाइल है इन शाह हफ्ते आपके सामने पेश करेंगे और मेरे ख्याल में आइंदा हफ्ते तो अभी दर से ये रहेगा ही जहां तक मैं समझता हूँ उसके बाद वाले हफ्ते में शायद जो है बकर का मौका हो आप गोश्त बुन करके खाने का लोगों का रहता है वो पहला वीक रहेगा वीक के बाद का जो है वीकेंड जिसे कहते हैं कि छुट्टी है तो बैठ कर के लोग घर में कोश्त रहता है तो बुन करके खाने के लिए तो शायद उसमें ना हो पाए लेकिन आइंदा हफ्ते तो इनशा दर्श रहेगा तो उसी के लिहाज से ये बात कह रहा हूँ कि आइंदा हफ्ते इनशा ये मसाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं सुबह